हेलो फ्रेंड, मैं रूबी। कैसे हो आप सब? रूबी हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ एक स्वादिष्ट मोदक की सब्जी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, जिसका स्वाद कुछ अलग ही होगा। और मोदक, आपने मीठे मोदक तो खाए होंगे, पर आज मैं आपको मोदक की सब्जी जो बना कर दिखाऊंगी वो कुछ लाजवाब होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कर ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है और 4 चम्मच मैदा, और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और अब हम इसका अच्छे से एक डो तैयार करेंगे मिक्स करके, हल्का हल्का पानी डाल के। डो ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला। अब ये मैंने डो तैयार कर लिया है इस तरीके का, देखिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और अब हम इसकी चटनी बनाएंगे, इसके लिए चटनी, सूखी चटनी। और देखिए, मैंने एक सूखा नारियल भी लिया है, इसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस के बारीक कर लिया था। और अब हम बनाएंगे सूखी चटनी, जिसके लिए मैंने लिए है ये 5-6 मिर्च, लाल मिर्च, और 2 बड़े चम्मच धनिया के दाने, और थोड़ा नमक, और थोड़ा कटा हुआ लहसुन, और ये थोड़ी सौंठ जो मैंने थोड़ी कूट ली थी। अब इसकी हम अच्छे से चटनी बनाएंगे। टाइट हो गया, अब इसको हम ऐसे घिसेंगे थोड़ा सा। अब हमने इसमें जो सूखी चटनी पीसी थी ये मावे में ऐसे ऐड कर लेंगे सारी। अब हम अच्छे से इसको मावे को और सूखी चटनी को अच्छे से ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। ये नारियल लिया था पिसा हुआ, अब हम इसको अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत धीमी आंच पे। ज्यादा नहीं भूनना है, फिर वरना कड़वा हो जाएगा, अच्छी स्मेल नहीं आएगी। हल्का ब्राउन में हल्का सा भूनना, लगभग 1 मिनट के लिए बस। अभी मैंने भून लिया, अब हम इसको निकाल लेंगे पैन से बाहर। ये देखिए कितना अच्छा इस पे कलर आया है। ये पैन इसको गर्म करना है अच्छे से।
इसमें हमें ऑयल डालना है। और ये मैंने मीडियम साइज के दो प्याज लिए थे, इनको मैंने लंबा काट लिया था। अब हम इसको इसमें डाल के फ्राई करेंगे। थोड़े लहसुन के टुकड़े मैंने बारीक काट लिए थे। अब हमने ये स्वाद अनुसार नमक लेना है और मिर्च पाउडर अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। कोई तीखा खाना पसंद करता है और कोई बहुत कम मिर्च खाना पसंद करता है। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर 2 चम्मच और ये मैंने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला जो जाएगा अब इसमें। देखिए अब अच्छे से हमें लगभग भूनने तक इसको अच्छा ब्राउन कलर आ जाए। लगभग 1 मिनट ये हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम कर देंगे गैस ऑफ। अब हमें ये इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है और इसमें साथ में जाएगा ये भुना हुआ नारियल पाउडर। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। देखिए ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है अच्छा महीन सा कर। अब हम आपको मोदक बना के दिखाएंगे। इसके लिए मैंने छोटा सा लोई बना लिया था और ऐसे ऐसे इसको उंगलियों से और अंगूठे से थोड़ा बड़ा करेंगे और काने पतले रखेंगे थोड़े। ये देखिए अब हम इसमें ये सूखी चटनी भरेंगे 1 चम्मच। हमने इसको ऐसे 3, 4, 5 से 6 पंखुड़ी सी बनाएंगे। ये देखिए फिर हम इसको ऐसे जोड़ते जोड़ते हुए अब इसको हमने ऐसे अच्छे से बंद कर दिया और सारे मोदक हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए अभी हमने कढ़ाई ली है, इसमें पानी डाला है 1.5 गिलास। अब हम इस पे छन्नी रख देंगे और ये इसके ऐसे हम ये क्योंकि मैं घर में ही बना रही हूँ इसलिए सारे घरेलू उपाय से ही मैं इसको तैयार करूंगी। कि मैंने अब इसको मैंने अच्छे से ढकना है और गैस मीडियम होने तक मीडियम ही रखनी है और लगभग 10 मिनट तक हम इनको अच्छे से ऐसे ही रखे रहने देंगे आंच पे। ये हमारी मोदक बनके सॉफ्ट सॉफ्ट मोदक बन गए हैं। देखिए ऐसे मैंने इस छलनी पे से हटा लिया है। देखिए कर लिया है ऑयल। अब हम इसमें लाल मिर्च और खड़े मसाले
और ये थोड़ी सरसों के दाने। ये थोड़ी ग्रेवी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, अच्छे से जब तक ये तेल अच्छे से सेपरेट न कर दे, तेल छोड़ने दे। अब हम इसको लगभग 5 मिनट तक उबाल लेंगे, पकाएंगे। अब हम इसको 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें मोदक डालेंगे। पकाएंगे 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड करेंगे, गैस हमने बंद कर रखी है। अब हम आपको ये सब्जी, मोदक की सब्जी आपको हम ये सर्व करके दिखाएंगे। खाने में बहुत ही अच्छी स्वाद आता है इसका। ये राजस्थानी मोदक की सब्जी है। अब हम इसको ऐसे और 3-4 पुदीने के पत्ते, कटी हुई हरी मिर्च, ऐसे 1 चम्मच ताजी क्रीम, दूध की मलाई आप रख सकते हैं। अभी हमारी मोदक की सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी